जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दो ऐतिहासिक घटनाएं हुई। कल श्रीनगर फर्स्ट चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का साक्षी बना था और आज रोइंग के इतिहास में पहली नेशनल चैंपियनशिप का जम्मू कश्मीर में आगाज हो रहा है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के खेल के मानचित्र में जम्मू कश्मीर भी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है और मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम सभी 33 विधाओं में नेशनल गेम्स की मेजबानी कर सकेंगे। मैं रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह जी तथा भारत के खेल मंत्री का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस चैंपियनशिप को श्रीनगर में आयोजित करने का फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी, यहाँ के खेलों की विरासत, संस्कृति और इस डल झील का शांत स्थिर पानी बहुत से एथलीट को रोइंग चैंपियन बनते हुए देखेगा। देश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें बेहतरीन रोइंग के प्रदर्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाने का निमंत्रण देता हूं। वाटर स्पोर्ट्स के इस महाकुंभ के लिए लाखों खेल प्रेमी इंतजार कर रहे थे। जल तरंगों पर खेल की उत्कृष्टता का जश्न मानवीय शौर्य, स्किल तथा धैर्य का यह उत्सव सभी खिलाड़ियों में साहस और चैंपियन की भावना का भी निर्माण करेगा, ऐसी मेरी कामना है। साथियों, हमारे देश की सभ्यता नदियों झीलों के किनारे पनपी और विकसित भी हुई। इंसान और नदियों का आत्मीय संबंध अनेक चुनौतियों के बावजूद लगातार विकसित हुआ है और आज भी इस सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संरक्षित रखने और विकास के नए आयाम स्थापित करने की जद्दोजहद चल रही है। खेल के रूप में रोइंग का स्वरूप बहुत बाद में आया है, लेकिन नदियों तथा झीलों की धरती जम्मू कश्मीर में नाव से यात्रा, नाव पर बाजार, नाव से ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सदियों पुराना है। एक बड़ी आबादी, चाहे बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, इनके जीवन में नदियों का और झीलों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये इनके जीवन के अभिन्न अंग भी रहे हैं। हाथ में पतवार लिए छोटी सी नाव पर सब्जियां और फूल ले जाते हुए चित्र जम्मू कश्मीर तथा भारत के लिए बहुत ही सामान्य बात रही है। जीवन का अभिन्न अंग होने के बावजूद जब नौका दौड़ के आधुनिक स्वरूप रोइंग तथा उसमें भी स्कलिंग तथा स्वीप रोइंग की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो किन्हीं कारणों से हम बहुत पीछे रह गए। पूरे देश में हर ओलंपिक के बाद अखबारों में एक ही सवाल होता था कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में सबसे फिसड्डी क्यों रहता है। फेडरेशन पहले भी थे, योग्य खिलाड़ी भी थे। मैं समझता हूं कि ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह सही इलाज के लिए बीमारी का जानना बड़ा आवश्यक है, उसी तरह समस्या के समाधान के लिए उसकी गहराई में जाकर समाधान खोजना भी जरूरी होता है। आबादी, संसाधन सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास खेल की संस्कृति, स्पोर्ट्स कल्चर, ये कहीं न कहीं कमी दिखती थी। समाज में लोग अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना पसंद करते थे, लेकिन क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में खिलाड़ी बनाना ये उन्हें मंजूर नहीं था।
मुझे लगता है, मैं जब विचार करता हूँ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के नाते, तो मैं मानता हूँ कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली, स्पोर्टिंग कम्युनिटी में एक बड़ा बदलाव देखने को पिछले 7-8 वर्षों में मिल रहा है। उन्होंने सबसे पहले स्पोर्ट्स कल्चर को समाज में स्वीकृति प्रदान कराने की कोशिश की तथा सम्मानित करियर के रूप में स्पोर्ट्स स्थापित हो, इसमें स्वयं आगे बढ़ करके एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। युवा प्लेयर्स पिछले 7-8 वर्षों से लगातार प्रेरित हों, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैदान पर पसीना बह रहे खिलाड़ी प्रधानमंत्री के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। प्लेयर्स की उपलब्धि पर अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए बधाई संदेश की रिवायत अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी है, क्योंकि अब सीधे उन्हें प्रधानमंत्री आवास से निमंत्रण आ जाता है। हर एक प्लेयर की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री जी ने सीधे देश की 130-135 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों और सपनों से जोड़ दिया है। इसलिए पूरे जोश और जज्बे के साथ हमारे प्लेयर्स एक के बाद एक नया इतिहास रचने लगे, और मैं मानता हूं कि सही मायने में भारत के स्वर्णिम स्पोर्टिंग युग की शुरुआत अब हो रही है। लंबी यात्रा हमें करनी, अभी तो सफर शुरू हुआ है। मित्रों, मैं बहुत आशावादी हूं। मैदान के प्लेयर्स की तरह चुनौतियों कठिनाइयों से जूझना मेरी भी फितरत है। अगस्त 2020 में मैं जम्मू आया था। अपार संभावनाओं और टैलेंट की खान के बावजूद स्पोर्ट्स सेक्टर में अनेक प्रकार की चुनौतियां थीं। यहाँ का युवा देश के लिए कुछ कर गुजरने को ललायित था, लेकिन कहीं न कहीं साधन और संसाधन उसे नहीं मिल पा रहे थे। ब्लॉक, जिला, डिविजन्स में खेल की संस्थाएं बनी थीं, खिलाड़ी उतनी मात्रा में मौजूद नहीं थे। पंचायतों, गांवों में जाने के बाद युवाओं की अपार संभावनाओं का दर्शन हुआ, असीमित ऊर्जा को दिशा देने की व्यवस्था नहीं थी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, देश भर के लोग यहाँ हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और मैं ये बात जोर दे करके कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स का बजट हमारा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र देश का विकसित राज्य है। जो लोग महाराष्ट्र के बजट का अध्ययन किए होंगे, वहाँ एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिला करके एक बजट होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बजट को मिला दें तो महज 47 करोड़ रुपए हमारा बजट कम है महाराष्ट्र से, जबकि हमसे आबादी महाराष्ट्र की 3-4 गुना से ज़्यादा है। तो वर्तमान शासन की प्रतिबद्धता, या मैं कहूं कि वर्तमान प्रशासन की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स को आगे ले जाने की है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। आप में से अनेक लोगों को जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके पास आंकड़े होंगे। मुझे बताया गया है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के द्वारा कि पहले 18-19 तक मैदान में 1-15 लाख लोग खेलते थे। पिछले साल जम्मू कश्मीर ने नया रिकॉर्ड बनाया, 17 लाख से ज़्यादा नौजवान कोविड के बावजूद मैदान पर पसीना बहाने में सफल हुए, और इस साल का लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी है। 30 लाख से ज़्यादा नौजवान इस बार खेल की विभिन्न गतिविधियों में जम्मू कश्मीर में भाग लेंगे, ऐसा इंतज़ाम किया जा रहा है। आबादी हमारी 1,30,35 लाख होगी। 70% आबादी हमारी 35 साल से कम है, इसलिए ये कोशिश हो रही है कि स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक से अधिक काम किया जाए, खेल प्रतिभाओं को बड़े से बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिले, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। और इसका परिणाम यह है,
गाँव से लेकर शहर तक खेल एक धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। एक हमारे यहाँ कहावत है, लड़े सिपाही नाम सरदार का। तो ये काम हमारे स्पोर्ट्स वाले कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नाम हमारा हो रहा है। जैसे सिपाही लड़ता है, नाम डीजीपी साहब का होता है, वैसे ही हमारे स्पोर्ट्स वाले सब काम करते हैं और लोग कहते हैं कि साहब एलजी साहब बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि क्यों डीजीपी साहब, सरदार होने का ये लाभ हमको और आपको बराबर मिलेगा ही। ये मैं मानता हूँ कि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। भावी पीढ़ी को गढ़ने, उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने का ये एक आंदोलन है। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों को गांव-गांव जाकर तलाशने और निखारने का काम अब कर रहा है। बड़ी मुद्दत के बाद गांव के छोटे से मैदान में छोटे से आरंभ के साथ बड़े लक्ष्य की ओर हमारे युवा खिलाड़ी पहुँचें, इसकी कोशिश की जा रही है। इस अवसर पर मैं सभी युवा खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप में बाधाओं से जूझने की, चुनौतियों को तोड़ने की क्षमता है, तो आपके लिए अवसर की कमी नहीं है। खेल के मैदान में आपकी सफलता असफलता कोई और तय नहीं करेगा, ये निर्णय स्वयं आपको करना है। और जिस दिन मन में आपकी भावना ये जागृत हो जाएगी, उस दिन आप बड़ी से बड़ी चुनौती आपके सामने हारेगी। मित्रों, मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स हर व्यक्ति को समाधान की ताकत एवं महत्वाकांक्षी बनने की शक्ति देता है। जिस युवा के मन में कोई लक्ष्य न हो, उसे जीवन का लक्ष्य स्पोर्ट्स दे सकता है। और मैं तो युवाओं का आह्वान करूँगा कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्टिंग कम्युनिटी का नेतृत्व आपको ही करना है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट ओलंपिक स्कीम तथा खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल्स के लक्ष्य को तय करने का मौका दिया है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। पिछले साल अप्रैल में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर मैंने एक बात कही थी कि ओलंपिक में कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग, इन तीनों विधाओं में मेडल जीतने की पर्याप्त संभावना जम्मू कश्मीर के लिए है। और हर खिलाड़ी की नज़र पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक पर होनी चाहिए। नेहरू पार्क का वाटर स्पोर्ट्स सेंटर आज इन तीनों विधाओं के लिए मैं कह सकता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ है। और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रतिदिन कम से कम 400 से ज़्यादा बच्चे बच्चियां इस सेंटर के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कयाकिंग और कैनोइंग में हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 100 मेडल्स पाए हैं और कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए बहुत से खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के प्रतिभावान एवं स्टार एथलीट बिल्किस मीर तथा मुसाबिर अली से अवश्य परिचित होंगे। हमारी कोशिश है कि ऐसे अनेक स्टार एथलीट आने वाले समय में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वास और लगन से जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित किया जा रहा है, अब ये दिन दूर नहीं होगा। संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मोटे तौर पर अब समाप्त कर दी गई है और मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी अपने युवा खिलाड़ियों को। मित्रों, श्रीनगर जैसा ही वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जम्मू संभाग के ऐतिहासिक नगरी बसोहली में बनाया जा रहा है। अभी मैं पूछ रहा था अपने प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स से, तो उन्होंने कहा कि अब अंतिम चरण में है, वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। अत्याधुनिक संसाधन सुविधाओं से ये सुसज्जित होगा। युवा बच्चे बच्चियों को अपनी प्रतिभा निखारने का, तराशने का समान अवसर मिले, इसके लिए सीनियर लेवल पर हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में 50% भागीदारी हमारी बच्चियों की हो और उन्हें वही सुविधाएँ मिलें जो स्लोवाकिया, जर्मनी या इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलती हैं।
किसी भी खेल का महत्व उसे खेलने का आनंद है। बेहतरीन खेल खेलना, पूरे साहस से खेलना ही खेल की स्पिरिट है। मुझे उम्मीद है कि इस नेशनल चैंपियनशिप में आप में से हर एक इस लक्ष्य के साथ खेलेगा कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मैं जानता हूं कि यह डल झील और पानी की लहरें आपकी महत्वाकांक्षा और अच्छा प्रदर्शन को पूरा सपोर्ट करेंगी और खेल प्रेमी आपको और भी बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस पूरे चैंपियनशिप के दौरान एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि भविष्य में आप सभी को राष्ट्र को गौरवान्वित करना है तथा विश्व स्तर पर एक मुकाम भी हासिल करना है। अब समय आ गया है कि हम दुनिया के खेल के मैदानों में अपने टैलेंट, अपने दमखम को साबित करें। इस साल जम्मू कश्मीर में एक दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि बेहतर सुविधाओं के साथ अन्य राज्यों की खेल प्रतिभाओं को भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हर एक कंपटीशन के बाद जीत या हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण खेल में भागीदारी और खेल भावना को बनाए रखना होता है। इस चैंपियनशिप में एकजुट होकर एक परिवार की तरह आप सभी स्पोर्ट्समैनशिप को सेलिब्रेट करें, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। अंत में मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजकों, विशेष रूप से रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल प्रेमियों को एक बहुत ही सफल और यादगार रोइंग नेशनल चैंपियनशिप की शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात और जोड़ना चाहता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पुलिस भी इस तरह के अनेक आयोजन समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी करती रहती है, तो मैं कहूँ कि एक तरह से पूरा प्रशासन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और काउंसिल तो अपना काम करती ही है, पुलिस प्रशासन हो या सिविल एडमिन, ये दोनों मिल करके स्पोर्ट्स की गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आई डिक्लेयर 23rd सब जूनियर एंड 5th इंटर स्टेट चैलेंजर्स रोइंग नेशनल चैंपियनशिप 2022 ओपन।